नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेके मोदी सरकार जो है किसानों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है। लॉकडाउन के अंतर्गत अब किसानों के अकाउंट में एक साथ 6,000 रुपये नहीं बल्कि 12,000 रुपये आएंगे, यानी कि अब जो है लगातार दो किस्तें किसानों को मिलने वाली है, यानी कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का डबल पैसा मिलने वाला है। कब तक जो है इसका टाइम रहेगा, अगर आप उस पीरियड के दौरान अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको किस तरीके से जो है इसका लाभ मिलेगा, किस तरीके से दोहरा लाभ यानी कि दुगना पैसा जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जो है 14 मई 2021 को प्रातः सुबह 11 बजे जारी हो चुकी है। आपको ये किस्त मिली है या नहीं मिली है, अभी तक आपके अकाउंट में 8वीं किस्त का पैसा आया है या नहीं आया है, अब तक मिले कुल 16,000 रुपये में से आपको कितने पैसे मिले हैं, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य के नाम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान तक ये जानकारी पहुँच सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा खबर की तरफ। तो किसान भाइयों, देख सकते हैं 30 जून तक कराएं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन, दो महीने में मिलेंगे आपको 2,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपको 30 जून तक का टाइम है। अगर आप 30 जून तक, जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अगर वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको इन दो महीने में ही जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दो किस्तें मिल जाएंगी। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त देश के 9.5 करोड़ किसानों को मिल चुकी है। अगर आपको यह पैसा नहीं मिला है तो दोस्तों, आप मंत्रालय में शिकायत करके अपना पैसा जो है प्राप्त कर सकते हैं। यदि वहां पे भी अगर आपकी बात नहीं होती है तो भी आप जो है हेल्प डेस्क से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर नहीं कराए गए किसानों को 30 जून से पहले अगर रजिस्ट्रेशन कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खाते में दो महीने के अंतर्गत दो किस्तों का पैसा जो है आएगा, यानी कि कुल 2,000 रुपये की दो किस्तें, कुल 4,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अभी देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त नहीं मिली है। अगर आपको यह पैसा नहीं मिला है तो आपको किसी भी प्रकार से जो है परेशान या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है किस तरीके से अपने अकाउंट में नीचे दिए गए नंबरों पर फ़ोन करके या शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं, ये नंबर जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं 1800-11155-266। और इसी के अलावा हम आपको बता दें, जो हेल्पलाइन नंबर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1552-261। और यहाँ पे पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स आप देख सकते हैं 011-2338-1092-2338-2401। पीएम किसान नई हेल्पलाइन नंबर 011-2430-00606। पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन नंबर है जो आप देख सकते हैं 012-0625-109। और ईमेल आईडी भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड कराई गई है, ईमेल आईडी से भी आप संपर्क कर सकते हैं pmkisan@icd.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी आप जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको 8वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है या किसी भी प्रकार की अगर आपके सामने दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों आपको अभी तक 8वीं किस्त का पैसा मिला है या नहीं मिला है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पास में शेयर के बटन को दबा के ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के जल्द से जल्द 6 लाख कंप्लीट कराने में हमारा सहयोग करें। और पास में बेल घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।